केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज देश की पहली हाइड्रोजन कार से संसद भवन पहुंचे और इसके साथ ही ये कार तब से ही चर्चा का विषय बनी हुई है। इस कार का नाम है मिराई, यानी कि भविष्य। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। भारत पेट्रोल डीजल को आयात करता है और पेट्रोल डीजल से प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को हाइड्रोजन पावर बनाने के लिए बहुत ही अहम कदम उठाया है। इसके तहत सरकार ने नई ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी भी बनाई है। तो गडकरी ने कहा कि पेट्रोल पर जहां 10 रुपये प्रति किलोमीटर का खर्च आता है, वहां इस पर सिर्फ 2 रुपये प्रति किलोमीटर ही खर्च आता है। इसीलिए भारत में पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए हाइड्रोजन के इस्तेमाल की अपनी तरह की ही एक परियोजना शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य देश में एक ग्रीन हाइड्रोजन आधारित इकोसिस्टम बनाना है। भारत सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए का मिशन शुरू किया है और जल्द ही हाइड्रोजन का निर्यात करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। इस तरह से 2047 तक भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।